सवेरे जब मैं दिल्ली से निकल रहा था तो एयरपोर्ट पर ही मुझे ये खबर मिली कि जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई। अपुष्ट जानकारी थी कि कितनी मौत हुई ये स्पष्ट नहीं था। और जब मैं देहरादून पहुंचा तो मुझे उसकी जानकारी मिली। डीएम और एसएसपी को तत्काल वहां पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। डीजीपी और जो हमारे मुख्य सचिव हैं दोनों से बातचीत करके और जो संबंधित के बारे में एक तो सही जानकारी और दूसरा उन पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए, जिसमें थाना अध्यक्ष झवरेड़ा उनको निलंबित किया गया है, जो संबंधित चौकी है उसके चौकी के इंचार्ज हैं उनको निलंबित किया गया है, साथ ही दो बीट कर्मी जो कांस्टेबल रैंक के हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा आबकारी विभाग के 13 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जो जिला चिकित्सालय हैं वहां पर सबको उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अभी जो अस्पताल में भर्ती हैं एक की हालत क्रिटिकल है, 13 मौतों की पुष्टि हुई है। ये गांव सहारनपुर और हरिद्वार जिले का सीमांत गांव था और कल कोई 13वीं थी वहां पर और वहीं पर ये जहरीली शराब के सेवन की सूचना है। घायलों का इलाज चल रहा है। यूपी सरकार से मुआवजा की बात आई, क्या उत्तराखंड सरकार भी मुआवजा की? देखिए मामला क्योंकि अवैध शराब से है इसलिए इसके बारे में विचार किया जाएगा कि दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए।